गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुज कुमार सिंह और शिक्षा धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन सिर्फ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, ये करना कैसे है क्वेश्चन को ये भी बताऊँगा। ये हमारे सामने एक चैलेंज है कि इस ड्यूरेशन में हमने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि बहुत दुखी है लगता, मतलब कि उनको अफसोस है कि एग्जाम देते तो बेटर रहता। अब हम उसके बारे में कमेंट कुछ भी नहीं करेंगे, बस मैं एक टीचर हूं तो मैं इस असाइनमेंट को सॉल्व करके बताऊंगा और सॉल्व करने के बाद आप उसे समझ के लिखें तो ज्यादा बेटर है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, थोड़ा लेट आने का रीजन ये है कि पहले मैंने पूरा ऑथेंटिकेट किया कि भाई ये असाइनमेंट पक्का DU वालों को लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि बीच में क्या होता है कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, चेंजेस आ जाए। तो कल 1 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन आया कि दिल्ली के सारे कॉलेजेस स्कूल जो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, उसके बाद कन्फर्म हो गया कि भाई अब पेपर एग्जाम नहीं हो सकते क्योंकि अब असाइनमेंट का ही आपको देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे इसको करवाऊंगा। अब इसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर होगा जिसके अंदर आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग आएगा। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं बहुत ही सस्ते, जो हमारे पास फेस टू फेस क्लास लेते हैं वो तो आते ही आते हैं, उनका तो अलग, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं, जो क्योंकि DU का एडमिशन हर जगह से होता है, हर कोई लेता है, बस एग्जाम देने कुछ आते हैं, तो जो भी देख रहे हैं, तो थर्ड सेमेस्टर की भी वीडियो आएगी आपकी पूरे सिलेबस की, और बहुत ही सस्ते रेट में आपको दिया जाएगा। और सस्ते की डेफिनेशन कुछ नहीं होती, आपके लिए जो पॉकेट में पैसे हैं तब मैं बोल सकता हूँ ये सस्ता महंगा, तो वो वेबसाइट पे होगा। वेबसाइट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मुद्दे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई दो करना है। पहले क्वेश्चन में है कि आपको एक्सप्लेन करना है कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है और कंजर्वेटिव, दोनों चीज अलग अलग प्रिंसिपल है। कंसिस्टेंसी कहता है कि एक बार जो आपने मेथड लगा दिया उसी को कंटिन्यू लगाते रहें, जैसे SLM और WDV लगाया आपने तो उसे लगाते रहें। रीजन क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू इफेक्ट होगा और साथ के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बाकी मैं इसकी थ्योरी की भी वीडियो अलग से टैग कर दूंगा। कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाले, हमें थोड़ा सा डर के, कंजर्वेटिव का मतलब डर के रहना है। बिजनेस व्यापार करना है तो हमें माइंड में हमेशा सस्पेक्ट रहना है, कल लॉस हो गया, कल अर्थक्वेक आ गया, कल ये हो गया, तो फ्यूचर में होने वाले जो अनसर्टेनिटी से लॉस हो सकता है उसको आज रिकॉर्ड करिए और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करिए, ये हमें सिखाता है। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो अकाउंटिंग करने के रूल हैं, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हैं, तो वो किसी सेक्शन में नहीं गिवन, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गिवन है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशन है, जो कि हर कंट्री का उसका प्रोफेशनल बॉडी इशू करता है। हमारे इंडिया में है ICAI, इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है इसके कि यूनिफॉर्मिटी के साथ आप काम कर सकते हैं, ट्रस्टेड होगा, रिलायबल होगा आपका सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है और इसके महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस इसके इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमें मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, विच एवर इज लोअर, उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इसके बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे बैलेंस शीट के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होता है। तो ये थ्योरी का पार्ट है, वो आप भी देख लोगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका डेप्रिसिएशन का, इसके ऊपर मैं जाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करूंगा अभी। मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पे क्वेरी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक क्वेश्चन अपलोड किया है, ठीक है ये असाइनमेंट है, लेकिन बच्चों को मैं अगर बताया जाए तो इस साल के जो बच्चे थे उन्होंने सारे क्वेश्चन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किए हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आपको AS10 के अकॉर्डिंग करना है। ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि ये डिमांड क्यों किया गया। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था कि हम डेप्रिसिएशन में AS10 लेके आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो बुक वगैरह में थे वो AS6 के हिसाब से थे और बच्चों ने भी AS6 के हिसाब से किया है, क्योंकि इसका AS6 के हिसाब से और AS10 के हिसाब से सोल्यूशन सेम रहेगा, लेकिन AS10 के हिसाब से इसके दो सोल्यूशन बन सकते हैं। तो मैं भी AS6 को आधार मान के इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। चलिए
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ कंपनी हैड अ बैलेंस, हैड अ बैलेंस, बैलेंस है कंपनी के पास, कब का बैलेंस है कंपनी के पास? 1 जैन 2018, फर्स्ट जैन 2018, और कंपनी के पास बैलेंस है। बैलेंस का मतलब, अब मैं बैलेंस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना है, आपने पर्टिकुलर वगैरह साफ साफ लिखना है, मशीनरी अकाउंट पूरा लिखना है, डेबिट क्रेडिट पूरा लिखना है। मैं यहां बैलेंस जरूर लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा बैलेंस लिखना है। 40500 2018 में। आगे कहता है, इन इट्स डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम वॉज चार्ज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर 1 जुलाई 2018, और 1 जुलाई 2018 कहता है कि इन इट्स मशीनरी अकाउंट में एक बैलेंस था हमारे पास 10% पर एनम वॉज चार्ज बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा चार्ज किया जा रहा था। कहता है 1 जुलाई 2018 को सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीनरी 87,500। अब यहां पे कहता है कि जो मशीनरी बेचा गया 1 जुलाई 2018 को, उसका कीमत था डेप्रिसिएशन लगने के, बेचा गया 87,500 रुपए का, विच वॉज परचेज ऑन 1 जन 2016 में खरीदा गया था 1,20,000 का। ठीक है, 1,20,000 वाले को हमने 87,500 में बेच दिया। तो सबसे पहले समस्या ये है कि जो ये मशीनरी है हमारा, इस मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो ये कितने मशीनरी का बैलेंस है ये नहीं बता। में भी दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और एक मशीनरी जो 2016 में खरीदा गया था ना, उसको सोल्ड आउट कर दिया गया है, तो हम इसको अलग से लेके चलेंगे। एंड ऑन द सेम डेट कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी 2,50,000, और इसी डेट एक मशीनरी खरीद लिया। तो मैं यहां पे एक लिख लेता हूं यहां पे, क्योंकि इससे ज्यादा हमें स्पेस चाहिए नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ओल्ड मशीनरी, एक मशीनरी सोल्ड किया है, ओल्ड मशीनरी, और ध्यान दे तो ओल्ड मशीनरी जो बेचा गया है वो क्वेश्चन में कहता है 1 जुलाई 2018 को। मैं लिख रहा हूं बस 1 जुलाई 2018 में कितने रुपए का बेचा गया है भाई, ये बेचा गया है, सोल्ड किया गया है 87,500। आप नोटिंग साथ के साथ ना करें, जब मैं बोलूं कि नोट करना है तभी करें, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को बीच में चेंज भी कर सकता हूं। जिसको खरीदा गया था, इस मशीनरी को खरीदा गया था, कब खरीदा गया था भाई? इस मशीनरी को खरीदा गया था 1 जनवरी 2016 में, 1/1/2016 में खरीदा गया था। कितने का खरीदा गया था? 1,20,000 का, 1,20,000 रुपए का खरीदा गया था। ठीक है, इसी दिन का मतलब कौन से डेट की बात कर रहा है ये? इस डेट की बात कर रहा है। इसी दिन सेम डे पे एक न्यू मशीनरी खरीद लिया उसने, M2 का नाम देते हैं जिसे हम, M2 खरीदा इसने 1/7/2018 में। कितने का खरीदा भाई? 2,50,000 का। कोई बात नहीं, चलिए 31 दिसंबर 2018 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर डिसाइड टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन एज पर IAS 10, इंस्टॉलमेंट इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। कहता है कि भाई पहले तो ये WDV लगा करता था, पहले जो लगता था WDV, और नाउ अब लगेगा SLM। ठीक है, और रेट रहने वाला है 10%, इसमें कोई बदलाव नहीं है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग सेम। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट 2018, ईयर एंड 2018 तक बना के दिखाना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रेज होता है कि क्वेश्चन ने तो बोल दिया है कि हमें चेंज मेथड अप्लाई करना है। AS 10 को हम अभी इग्नोर करते हैं, हमें AS 6 के हिसाब से लेके ही चल रहे हैं, 10 में भी ऐसे कर सकते हैं हम वैसे। अब लिखा हुआ है कि भाई जो 4,05,000 है, शायद ये 40,000, यस 4,05,000 है, ठीक है, इसका ये बैलेंस है। अब क्वेश्चन है कि ये वाला मशीनरी अलग से नहीं है, क्योंकि इस मशीनरी को खरीदा कब गया था? 2016 में, मतलब ये जुड़ के इसी का पार्ट होगा।
तो हमें क्या करना है जेन्युइनली, हमें 1 जनवरी से स्टार्ट किया, 31 दिसंबर को खत्म किया है। सबसे पहले जो मशीनरी बिक जाता है उसके ऊपर इम्पैक्ट चेंज मेथड का नहीं होता, ये सब आप अच्छे से जानते हो। जो मशीनरी बिक जाता है उसके ऊपर चेंज नहीं होता। और चेंज मेथड कब से लगता है? रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली देखो, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि भाई आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। और डिसीजन कब लिया गया? ये जनवरी 2018, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड 31 दिसंबर 2018 डायरेक्ट। तो करते हैं स्टार्ट। एक और पॉइंट आपको ध्यान देने वाला है इसमें कि इस मशीनरी का ये पार्ट है, हिस्सा है, तो हमें इस मशीनरी का हिस्सा है तो इस वाले पे तो जो मशीनरी ये सोल्ड होने वाला है इस पे तो चेंज मेथड का इंपैक्ट नहीं लेना, चेंज मेथड का इंपैक्ट लेना है रिमेनिंग वाले पे, बचे हुए वाले पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं करना चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन, तो मैं यहीं से इंपैक्ट ले लेता हूँ। मुझे इस मशीनरी को पहुंचाना पड़ेगा कब? हमें लेके जाना पड़ेगा इस डेट पे। क्यों लेके जाना पड़ेगा? क्योंकि हम अजम्पशन लेंगे कि ये मशीनरी का पार्ट है और ये बची हुई मशीनरी हमने इसी दिन खरीदा, ये अजम्पशन जरूर लेना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन में पार्ट बोल तो दिया है, लेकिन हो सकता है दो मशीनरी का बैलेंस हो, कुछ हमें पता थोड़ी है, बस बैलेंस लिखा हुआ है। तो हमें पूरा सारी मशीनरी को अगर एक डेट पे लेके जाए, यानी हमारा बैलेंस बैलेंस या परचेज कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1st 1st 2016, तो ये आएगा हमारा 4,05,000 मल्टीप्लाई। अब यहां पे एक पॉइंट है, मैं यहां सॉल्यूशन में मिटा दूंगा, मैं देखना एक बार आप, कि मान लो 100 रुपए का एक वैल्यू होता है, हमेशा परसेंटेज क्या होता है 100। हमारा ये वैल्यू अगर इस डेट पे रहा होगा 100 रुपए, तो पहले साल डेप्रिसिएशन 10 लगा होगा, यानी ये डेट हमारा कब है, 1/1/16, और यहां पे आ गया 1/1/17, अब बचा 90, फिर से 9 लगा होगा, अब 1/1/2018, ये आ गया हमारा 81। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप इस टॉपिक को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर किसी को विजुअल है, ये आ गया, यानी ये वैल्यू 81% के बराबर है, तो हम डायरेक्टली वहां तक पहुंच जाएंगे। ये वैल्यू 81% के बराबर है, तो यहां पे हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 81, तो जो वैल्यू आएगा ये डायरेक्टली पहुंच जाएगा हमारा फर्स्ट डेट पे। चलिए करते हैं। चार लाख 5,000 डिवाइडेड बाय 81 इनटू में 100, तो मशीनरी का वैल्यूएशन जो आ गया वो आ गया 5 लाख। अब 5 लाख पे मैं क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, 10% लगाया होगा, फिर 10% लगाया होगा, तो वैल्यू आपका वही आएगा। इसका मतलब ये बैलेंस है। मैं इस बैलेंस को यहीं रहने देता हूं, मैं लिख देता हूं ऑन 1/1/2016, ये कॉस्ट है मशीनरी की, कितनी कॉस्ट थी हमारी, 4 लाख, सॉरी 5 लाख रुपए, 5 लाख। अब इसमें से मैं स्टार्टिंग से दो टुकड़े करके चल रहा हूं, ठीक है, दो टुकड़े क्यों करने जा रहा हूं मैं, इसकी भी वजह है क्यों की जा रही है। एक तो जो मशीनरी बिकेगा इसमें से एक पार्ट था 1/20 का, थोड़ा इधर लिख देते हैं, 1/1/16 में 1/20 का जो बिकने वाला है, बाकी बच गए हमारे 380, जो कि नहीं बिकेगा, बाकी बच गया 380 जो कि नहीं बिकेगा। तो आप मुझे बताइए कि चेंज मेथड किसके ऊपर लगेगा, क्या जो मशीन बिकता है उसके ऊपर चेंज मेथड लगता है? आंसर इज नो, इसके ऊपर चेंज मेथड नहीं लिखेगा, लेकिन AS10 में ऐसा नहीं लिखा गया है, AS10 में मर्जी दी गई है कि आप लगाना, आप चेंज मेथड का इंपैक्ट लो या मत लो, वो आपकी मर्जी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला AS10 के हिसाब से नहीं, मैं AS6 के हिसाब से सॉल्यूशन करने जा रहा हूं प्रॉपर जो है।
अब हम क्या करते हैं, इस वाले पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे और इस वाले पे चेंज मेथड का इंपैक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके सर, ठीक है। यहां पे भी कैलकुलेशन कर लिया है, सबसे पहले माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, 31/12 16 को, डेप्रिसिएशन 10%, 12,000 आ गया, 1,08,000। चलो 1,08,000 है ना। आगे देखते हैं, 31/12 के बाद आगे सेम ये डेट यहां लेके चल रहा हूं, 38,000, 38,000 ये डेट निकल के आई हमारे पास 1/1/17। इसके ऊपर अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12/17 में 10,800 और 380 पे 10% अगर माइनस कर दे 342, तो ये आएगा हमारा 342 और अब लगेगा इस पे 342,000। ये WDB चल रहा है आपका, पुराना रेट जो था मैंने लिख दिया ना, ये पहले पुराना और इस पे 10% माइनस करने के बाद 307800, ठीक है, 307800 और इसको माइनस करते हैं 1,08,000 का 10% माइनस 97,200, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि वहां जगह की कमी है, M2 1/7/2018 2,500,000 रुपए का खरीदा गया है। चलिए जी, इस कीमत की वैल्यू आ गया 1/1/2018। इस वाले को हमने बेचा कितने में, इस वाले को हमने बेच दिया 87,000 में, तो हम इसे सोल्ड कर देते हैं, सोल्ड 87,500, 87,500 माइनस, देन लॉस आ गया यहां पे। कैसे आया लॉस, आपको पता है 97,200 रुपए का सामान अगर आप 87,500 रुपए में बेचेंगे तो लॉस आ जाएगा, लॉस क्या है 9,700, ठीक है। हमारे काम का देखा जाए तो सिर्फ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसने मशीनरी अकाउंट ये नहीं बताया कि कहां से कहां तक बनाना है, तो हम एक साल का ही बनाएंगे सिर्फ, तो हमारे काम का सिर्फ ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में ये चीज, बाकी ऊपर का बस प्रॉफिट निकालने के लिए यूज किया गया। चलो इसके ऊपर यहां से यहां तक अगर ध्यान से देखो तो अब तो SLM लगना है, WDB तो लगना नहीं है, SLM लगना है, तो मैं इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं, ये था हमारा ओल्ड, ओल्ड पुराना, अब न्यू के हिसाब से मैं इधर कर देता हूं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं जो मैंने लिखा था, सिर्फ मुझे याद रहे ताकि मैं कैलकुलेशन कर पाऊं। आप इस चीज को वर्किंग नोट में नीचे दिखाएंगे तो इसको नोटिंग कर लेंगे पॉज करके, जैसे मैंने बताया आप रफली तो नोट करोगे और फिर नोट करके फिर आगे करेंगे। मैं इसके नीचे ये करने जा रहा हूं, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको इस वाले पोर्शन को ओनली मिटा रहा हूं मैं, ये कैलकुलेशन में दिखाना चाहो तो दिखाओ, इस वाले पोर्शन को आप नीचे लिखना, इसको नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। M2 है, इस M2 पे बताओ कैसे वाले मेथड लगेगा, सर ये न्यू वाला ही लगेगा, तो क्या इस पे चेंज मेथड होगा, नहीं। ये मशीनरी बिक गया, क्या इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, नहीं। तो बचा कौन सा, अकेला अकेला बचा ये, तो इसके ऊपर हमें एक क्या करना चाहिए, न्यू मेथड के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए, न्यू मेथड यानी एज पर न्यू SLM बेसिस, SLM बेसिस, SLM बेसिस के हिसाब से देखो हमारा कॉस्टिंग क्या था, 380, ये था मेरा 1/1/2016 में, 1/1/16 में, अब 31/12/2000 क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ले रहे हैं हम, 2016 में डेप्रिसिएशन जो लगेगा इस पे, पूरे वर्ड्स लिखने हैं आपको, डेप नहीं लिखना, डेप्रिसिएशन, तो ये 38,000,
बैलेंस आया 342,500, 342,000। ये डेट आया 1/1/2017, आपने पूरा लिखना है। जहां मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, आपको पूरा लिखना है बैलेंस, यहां बैलेंस है ये। इसके बाद फिर से 31/1/2017। अब लगेगा एसएलएम, एसएलएम का मतलब अगेन विल बी 38,000। तो 3,42,000 पे फिर से माइनस 38,000 करेंगे, 3,04,000। नाउ डेटेड, अब ये पुरानी चीजें हैं, नई ईयर का मैं रेड मार्कर से कर देता हूं। ये डेट आ गया 1/1/2018। इस साल का डेप्रिसिएशन जो कि हमें दिखाना है फाइनेंशियल स्टेट अपने मशीनरी अकाउंट में, डेप्रिसिएशन कब, 31/12/2018। इसके ऊपर 10% अगेन, क्योंकि एसएलएम है तो 38,000 रुपीस। तो 34 माइनस 38,000, नाउ बैलेंस विल बी 266। लो जी, अब इस वाले पे करंट ईयर का मेथड लगेगा। ये इसको कोऑर्डिनेट करके मैं यहां पे इंपैक्ट भी निकाल लूंगा। इस वाले पे लगेगा 31/3/2011, क्योंकि मार्च का याद रह जाता है मुझे, 2018। कितने महीने का लगेगा, ओनली 6 मंथ। तो इस पे तो चेंज मेथड है नहीं भैया, तो 6 मंथ का 12,500 माइनस कर देते हैं 237,500। ये हमारा है इसका सॉल्यूशन, वर्किंग नोट मेनली। अब मैं यहां पे कोशिश करता हूं कि चेंज मेथड को मैं अलग मार्कर से करके दिखाऊं, जिससे आपको के कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ये तो चल रहा है, इसको देखते हैं चल रहे नहीं चल रहे। हाँ ठीक है, तो यहां पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा या कम लगेगा, पीएनएल से जो चार्ज किया जाता है वो देखते हैं हम, एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से जो पीएनएल से हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एज पर मैं इसको दो टुकड़ों में बांट देता हूं। यहां पे मैं WDV वाले और यहां SLM वाले टोटल कर लेते हैं। ठीक है, इंपैक्ट जो रेड मार्कर से लिखा है इसका नहीं, इससे ऊपर का WDV वाला क्या है, फर्स्ट ईयर का 38,000, सेकंड ईयर का, ओहो ये एक जीरो ज्यादा लग गया, 34,200 टोटल, 38,000 प्लस 34,200, 72,200। ठीक है, एसएलएम में जाते हैं, कांस्टेंट रहने वाला है 38,000 38,000। तो 38,000 प्लस 38,000 और 76,000। अब देखो, पहले का ये लगता था हमारा, समझ रहे हो ना बात को, पहले ये लगा करता था, ये पहले लगता था, अब ये लगेगा, अब ये लगेगा। तो देखो, हमारा डेप्रिसिएशन, अगर मान लो डेप्रिसिएशन हमारा इसमें क्या है, एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा लगने का मतलब हमें इस साइड में बाय पी एंड एल के नाम से दिखाना चाहिए। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है हमारा, 72,200 रुपीस एक्स्ट्रा है, जिसको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बोलेंगे। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बोलेंगे। प्रॉपर व्यू है आपको, ये एक बार ध्यान से देखो, एक बार देख लो इसको। कोई डाउट अगर आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, नो डाउट। जल्दी जल्दी एक बार इसको नोटिंग कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिया नोटिंग आपने, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास बैलेंस है 1/1/2018, इसको टू, कुछ बच्चों ने टू बेल लिख रखा, नहीं जी आपने पूरा लिखना है बैलेंस,
बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी मेरा कितने का था, ये था मशीनरी का बैलेंस 4,05,000। 1 साल का ही बनाना है क्योंकि अजम्पशन है, नोट डालोगे क्योंकि इसमें ईयर नहीं मेंशन, तो इसलिए हम लास्ट ईयर का बना के चल रहे हैं, ये नोट डालना है आपने। सेकंड, एक और मशीनरी खरीदा था 1/7/18 में, अब नई मशीनरी खरीदा है, कुछ नहीं बोला तो उसको बैंक से लिख देते हैं हम, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट से कितने का खरीदा है, 250। ठीक है, अब देखा है मैंने कुछ इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, 1/7 को 2018 में डेप्रिसिएशन लगा, तो मैं देखो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, काफी बच्चे शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते होंगे, लेकिन आपको पूरा डेप्रिसिएशन लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है, ध्यान देना। 1/7/2018 को सबसे पहले जो मशीनरी बिका है, ये मशीनरी पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में हमारे, कि हमने बेचा कब है इस मशीनरी का, डेट भी मैंने यहां से हटा दिया, इसे बेचा है 1 जुलाई को, तो जुलाई तक का तो डेप लगना था, है ना, जुलाई तक का डेप लगना था, तो 31/30/6 या 1/30/6/18 तक का डेप्रिसिएशन, WDP है 48/60। थोड़ा नोटिंग करा, चेंज कर लेना आप नोटिंग में, वो मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो गया था, तो 92,340, ठीक है, देन इसको सोल्ड आउट किया है 87,500 में, 87,500, तो ये बैंक से बिकेगा, है ना, डिफरेंस जो आएगा 87,500, 4,840, ये है लॉस, ये क्या है हमारा लॉस। अब एक बार दोबारा करेक्ट करिए इसको आप, कर लिया। चलिए डेप्रिसिएशन क्या लिखा हमने, जी डेप्रिसिएशन लिखा पहले का, सिर्फ ये वाला आएगा क्योंकि पहले तो लग चुका होगा, करंट ईयर का 4,860। अब सेम डेट पे हमारा ये मशीनरी बिक भी गया बैंक से सोल्ड हुआ, ये ब्रैकेट में सोल्ड लिख देते हैं, कितने का, 87,500, और सेम डेट पे बेचने के बाद हमें लॉस भी हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस से ब्रैकेट में लॉस हुआ हमारा, कितने का, 4,840। ठीक है, अब आ जाते हैं 31 पे, 31/12/18 में जब अकाउंटिंग क्लोज करेंगे, तो बाय सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से जो डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो लगा है वो क्या लगा है, 3,800, 3,800। अब 31/12/18 पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है, डेप्रिसिएशन कुछ वाले पे, पुराने पे, ओल्ड वाले पे, ओल्ड पार्ट पे उसका डेप्रिसिएशन देखो मैंने जो है ये कैलकुलेट किया है, ओल्ड पार्ट का ये तो पुराना है हमारा, नए वाला मेथड ये है, तो हम यहां से पिक करेंगे 38,000, 38,000, उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन न्यू जिसको मैं M2 का नाम दे देता हूँ, जो मैंने लिखा है 31/12/18 में, कितने का डेप्रिसिएशन है, 12,500। बस लो जी लो, हो गया सॉल्यूशन। तो वर्किंग नोट भी मैंने आपको समझा दिया, एक मिस्टेक था उसको करेक्ट कर लेना। देखते हैं 4,05,000, 2,50,000, 6,55,000, 6,55,000। अभी मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, आपकी टेंशन खत्म। बाय बैलेंस सीडी कब का, 31/12/18 को माइनस करते हैं 4,860,
-87,500 -48,040 -3,800 -38,000 -12,500, ये आ गया 50,35,00। इसके बाद हमें इसे 1 तारीख को, यहां तक समझ में आए? आपको बैलेंस बीडी बना के छोड़ना होता है इसे। यहां लिख देता हूं मैं 1/1/19 टू बैलेंस बीडी, यहां छोड़ देंगे इसको 50,35,00। ठीक है, तो ये पूरा आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बार आराम से देखिए, इसको नोट डाउन करिए आप, और उसके